होला कोमो इस्तास अमीगो, आज का व्लॉग एक तरीके से आखिरी व्लॉग है क्योंकि 20 दिन मेरे मैक्सिको में पूरे होने वाले हैं। लेकिन आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, काफ़ी डिफरेंट जगह जा रहे हैं हम। आज जा रहे हैं हम इस्ला हॉल बॉक्स, जो कि एक है छोटा सा आइलैंड, ठीक है। हम यहाँ से चिंचनीज़ा से हम निकलेंगे और उसके बाद हमने जाना है हॉल बॉक्स और वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी एक जगह पार्क करनी है आई गेस एक रात के लिए, और फिर वहाँ से फेरी पकड़ कर हमने जाना है आइलैंड पर। एक रात के लिए हमने आइलैंड पर रहना है। काफ़ी सुंदर और छोटा सा आइलैंड है और यही है हमारी ट्रिप का सबसे महंगा एयरबीएनबी हमें यहाँ पर मिला, ठीक है, क्योंकि ये जगह काफ़ी जैसे काफ़ी एक्सपेंसिव है और ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे मशहूर होनी स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप मेक्सिको कैनकुन वगैरह आए हैं तो हॉल बॉक्स ज़रूर जाएं। अगर आप रिजॉर्ट में रह रहे हैं, मुझे पता है रिजॉर्ट में रहने का हाँ भी एक डिसएडवांटेज होती है कि बंदा इतना घूम नहीं पाता, तो ये कहता हूँ रिजॉर्ट में ना रहो। अगर चार पाँच जाने आप दोस्त वगैरह हो तो साथ में मिलकर आप एयरबीएनबी बुक करो, रोड ट्रिप करो, ट्रैवल करो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और हम राज की रोड ट्रिप करने लगे शुरू। पौने 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम यहाँ पर हॉल बॉक्स पहुँच चुके हैं। अभी हॉल बॉक्स आइलैंड है ये, जो उसके पास में गांव है जो किनारे पर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की, यहाँ पे पार्किंग के पे करने पड़ते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से हमने फेरी लेकर उस आइलैंड पर जाना है इस्ला हॉल बॉक्स। इस्ला का मतलब आइलैंड होता है, तो एक और आइलैंड भी है इस्ला मुहेरिस, वो ऐसे आइलैंड ऑफ वुमेन, लेकिन ये वाला है इस्ला हॉल बॉक्स। हमारा जो घर था वो सिर्फ जैसे 15 मिनट की वॉक पर था, 2-2.5 किलोमीटर दूर, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये एक जैसे मैंने आपको बताया ये 130 US डॉलर एक रात के लिए, और यहाँ पे रीज़न आके देखकर पता चलता है उन्होंने काफ़ी ट्रेडिशनल वे से घर बना रखा है। जैसे पूरा का पूरी बिल्डिंग दिखने में झोंपड़ी की तरह, अंदर से हमें 2 कमरे मिले, एक कमरे में डबल बेड है, दूसरे में 2 बेड लग रखे हैं, छोटा सा इन्होंने कमरा बना रखा है, ठीक है। दीवारें वगैरह जैसे एकदम गांव में छोटे घर नहीं होते बना रखे हैं वैसी, जैसे अनइवन दीवार है और थोड़े सा अनइवन ही फ्लोर है, ऊपर जैसे बीम के साथ उन्होंने सीलिंग बना रखी है। वॉशरूम अंदर काफ़ी अच्छा सा उन्होंने अंदर से वॉशरूम बनाया हुआ था। और यहाँ हॉल बॉक्स में हमने एक रात रहना है। और देखो सबसे पहले तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, और खाना खाने का हम बाइसाइकिल रेंट करेंगे क्योंकि काफ़ी छोटा टाउन है, यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ नहीं है। या तो जो बंदे हैं वो जैसे जो गोल्फ कार्ट होती है उसके ऊपर ऑफ रोड टायर लग रखे हैं, जैसे सड़कें भी यहाँ पर प्लेन नहीं है तो वो गोल्फ कार्ट्स वगैरह चलाते हैं, उन पर ऑफ रोड टायर लगे हुए हैं, ठीक है। और टैक्सीज भी बिल्कुल दिखने में वैसी है। हमें सबके साथ में जैसे बाहर पैटियो भी मिला, काफ़ी अच्छा छोटा सा पैटियो है, और ये जैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग है, पूरे का पूरा एरिया इतना छोटा है कि उसके बाहर स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल भी काफ़ी छोटा सा है। काफ़ी इस आइलैंड की चौड़ाई तो इतनी है कि 10 मिनट में आप पूरा का पूरा आइलैंड ख़त्म कर दोगे, लेकिन लंबा बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन पूरे के पूरे आइलैंड में जैसे लोग नहीं रहते, सिर्फ इस पार्ट में जहाँ पे एक घर है और दूसरी तरफ कोने पर दूसरा घर है, वो 15 मिनट की वॉक में ख़त्म हो जाता है। बाकी जो पूरा का पूरा एरिया है वो जंगल है, ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ है, और सिर्फ ही मतलब ये एक तरीके से 5 किलोमीटर के डायमीटर में ही पूरे के पूरे घर बसे हुए हैं। इस आइलैंड पर आने का तरीका फेरी है वैसे तो, लेकिन हाँ एक महंगा तरीका भी है जो कि एयरलाइंस इस छोटे से आइलैंड पर, हाँ भी किसी बंदे की एक एयरलाइंस है हॉल बॉक्स एयरलाइंस, उस एयरलाइन का सिर्फ एक ही राउट है। अगर आप कैनकुन में हो तो कैनकुन से सीधा हॉल बॉक्स आती है और हॉल बॉक्स से सीधा कैनकुन जाती है, लेकिन उस फ्लाइट का प्राइस है 1090 US डॉलर्स, सो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, और फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की है। तो हाँ भी जहाँ तक मुझे लगता है उस बंदे को ऐसी फ्लाइट हर रोज़ तो नहीं मिलती होगी, वो वंस इन अ वाइल काफ़ी अमीर बनता है, काफ़ी अमीर फैमिली जो आती होगी जो फ्लाइट लेती होगी, महीने में 1-2 बार फ्लाइट होती होगी, महीने में 1 बार या फिर 2 महीने में 1 बार फ्लाइट होती होगी। हम 4-5 रेस्टोरेंट्स में डिफरेंट जाके आए, काफ़ी ज़्यादा महंगा फूड था, इतना फूड हमने मैक्सिको सिटी वगैरह तुलुम वगैरह और जगह नहीं देखा जितना महंगा यहाँ पर फूड था। अगर किसी छोटा सा आइलैंड है तो लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम जैसे सिर्फ टूरिज्म ही है, तो जिस करके यहाँ भी ये खाना काफ़ी महंगा था यहाँ पर। फिर उसकी बजाय हमने कन्वीनियंस स्टोर पर गए, वहाँ से नूडल्स वगैरह खरीदे हैं, हमने खुद की ऐसी रोटियाँ जो तोड़तियाँ वगैरह होती है वो खरीदे हैं, साथ में हैम वगैरह खाने के लिए मीट वगैरह इधर खुद ही जाकर घर पर सैंडविचेस वगैरह खा के बना बनो के खाएँगे। यहाँ पर जैसे हमने 3 वक्त का खाना खाना है, आज का लंच, रात का डिनर और कल सुबह का ब्रेकफास्ट,
तो बजट को मेंटेन रखने के लिए हमने कहा बजाय रेस्टोरेंट से खाए तो हमने ऐसे खाने का डिसाइड किया। अभी अभी हम थोड़ा सा लाइट खाएंगे और लंच को एक तरीके से स्किप करके फिर रात को हम काफ़ी हैवी जैसे डिनर कर लेंगे और कल सुबह ब्रेकफास्ट फिर हम लेट खाएंगे। तो हम इस आइलैंड से निकल कर दोबारा उस शहर पर जाएंगे, फिर उस शहर में जाकर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। वहाँ पर काफ़ी सस्ता होगा, प्राइजेस हाँ भी सस्ते होंगे। तो बीच हमारे घर के बस बिल्कुल ही पास है, 100 मीटर दूर भी नहीं है, लेकिन हम बीच पर गए और पानी बहुत ही ज़्यादा, यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, लहरें बहुत ज़्यादा थी, इस करके हमने डिसाइड किया फिर हम वापस अपने पूल पर आएंगे और यहाँ पर ही आकर चिल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, हम यहाँ पर सिर्फ एक रात के लिए रह रहे हैं। आई विश कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों के लिए रहते, जैसे 2 या 3 मिनिमम 3 दिनों के लिए तो रहते, लेकिन इतना बजट नहीं था, इतनी ट्रिप बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी सुंदर है। ठीक है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर पार्टी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप सोचें यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी लाइफ है, ना, पार्टी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जो लोग टूरिज़्म वगैरह आते हैं बहुत ही सिर्फ यहाँ पर शांति के लिए, ठीक है, मच्छर बहुत ज़्यादा यार, तो ये पार्टी एनिमल्स के लिए जगह नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ शांति के लिए, मज़े के लिए, आप कह सकते हो हनीमून के लिए, ठीक है, सिर्फ शांति और शांति, पीस, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर भी करने के लिए जो चीज़ें, जैसे हम जो हमने बाकी जगह किया, स्नोर्कलिंग वगैरह, अंडर वाटर लेकर जाते हैं आपको, मछलियाँ दिखाते हैं, ठीक है, 2-3 यहाँ पर थोड़ी बहुत और छोटी मोटी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो जगह हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। डे 2 हॉल बॉक्स में दूसरा दिन है, हम सुबह उठे हैं, हमारा चेक आउट जैसे 12 बजे, लेकिन हमने सुबह सुबह जल्दी निकल जाना और उठने के बाद हमने खाना खाया जो हमारे होटल ने हमें थोड़ा बहुत दिया, ब्रेड वगैरह, जूस, साथ में कॉफ़ी और सीरियल दिए, और हम निकले हैं। टैक्सी की राइड ली थी, टैक्सी की राइड काफ़ी झटकेदार थी, ठीक है, और उसके बाद कि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर कोई प्लेन सॉलिड सड़क नहीं है, सारी ऑफ रोड ही है एक तरीके से, ठीक है, और हम जा कर लेंगे फेरी। येलो येलो डर्टी फैलो। तो अब हम जैसे कैनकुन जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ढाई घंटे दूर है, और रास्ते में हम रुके हैं यहाँ पर चिकन खाने के लिए, जैसे पूरे देसी तरीके से चिकन बनाया जा रहा है। 1 घंटा रह गया और ड्राइव का, हमने वहाँ पर गाड़ी ड्रॉप कर दी है, फिर एयरपोर्ट जाना और बस यहाँ पर अब खाने के लिए रुके हैं। ये जैसे बारबेक्यू कर रहे थे यहाँ पर अपने देसी तरीके से, जैसे ग्रिल पर बनाते हैं, तो हमने कहा जाने से पहले हैवी लंच कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सूप जो फ्लाइट है वो खाने को कुछ नहीं देती, पानी भी वहाँ पे करके पीना पड़ता है। मुझे पता है कि ये प्रॉपर आउट्रो वीडियो नहीं है, तो मैंने हॉल बॉक्स की आउट्रो वीडियो बनाई थी, 3 या 4 क्लिप्स थी जो वीडियो की एंडिंग में मैंने यूज़ करनी थी वीडियो ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई। मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुई, जब मैंने अपना मेमोरी कार्ड खोला तो क्लिप्स थी जो डिलीट हो चुकी थी, ठीक है, और मुझे मिली नहीं, तो मैंने सोचा एक ऐसा सा आउट्रो बनाऊँ। पहले मेरा प्लान था कि हाँ भाई हॉल बॉक्स की वीडियो ना ही बनाऊँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि हाँ भाई मेरे पास है अगर वीडियो तो क्यों ना बनाऊँ। और अब मैं वापस यहाँ पर आ चुका हूँ एडमिंटन में,
ये जो आज मैं शूट कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट मैंने शूट किया जैसे 7 हफ्ते, ऑलमोस्ट 7 हफ्ते के बाद, क्योंकि जब मैं आज वीडियो एडिट करने लगा तब मुझे पता चला कि मेरी आउटरो वीडियो में पसंद डिलीट हो चुकी है। तो 7 हफ्ते के बाद ये वीडियो बनाने लगा हूँ। वापस मैं अकेला नहीं आया हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, मेरे साथ ये शरारती लड़की आई है, मैं जिसको मैक्सिको तो ये देख सकते हैं मेरे पास, मेरे साथ ये शरारती लड़की आई है, छोटी सी बच्ची, हम मैक्सिको से लेकर आए हैं और 7 हफ्ते हो गए हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर काफ़ी इसके बारे में वीडियो डाली है, ठीक है, स्टोरीज में काफ़ी इसको बार शेयर किया, स्नैपचैट पर भी, और काफ़ी जनों ने पूछा इसके बारे में, तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।